उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद अपने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए बाराबंकी पहुंचे थे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद ने यहां पर अधिकारियों से तमाम योजनाओं पर बातचीत की थी। हालांकि पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद जब अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए गांधी सभागार में पहुंचे तो उस दौरान पूरे सभागार में सन्नाटा पसरा था। बैठक की शुरुआत में विभाग के लगभग सभी अधिकारी गांधी सभागार से नदारद थे। इस पर मंत्री जितिन प्रसाद काफी नाराज भी दिखे। दरअसल गांधी सभागार में मीटिंग शुरू होने के वक्त जब जितिन प्रसाद यहां पहुंचे थे तो कई अधिकारी वहां मौजूद नहीं मिले। मंत्री इसे देखकर काफी नाराज भी हुए और सभी अफसरों से सख्त लहजे में कहा कि अधिकारी समय पर ऐसी बैठकों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा करें। जो भी अधिकारी ऐसी बैठकों में आगे से देरी से पहुंचेंगे उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बैठक शुरू होने पर मंत्री जितिन प्रसाद ने कहा कि इस दौरान उन्होंने मौके पर जाकर खुद निर्माणाधीन सड़कों का काम देखा और गुणवत्ता से कोई भी समझौता ना करने के सख्त निर्देश दिए। उन्होंने सभी कामों को समय सीमा के रहते पूरा कराने का निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने विपक्ष के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें कहा गया था कि वो ऐसी कमरे में बैठकर सड़कें दुरुस्त करवाने का काम कर रहे हैं। इस पर उन्होंने कहा कि मैं नहीं बल्कि विपक्षी ऐसी कमरे में बैठा है। जितिन प्रसाद ने कहा कि वो विभाग के सभी कामों को देखेंगे और जहां गड़बड़ी होगी उसे दुरुस्त करेंगे। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की बैठक में अधिकारी उस वक्त नदारद दिए जब योगी आदित्यनाथ सभी सड़कों को समय सीमा के रहते गड्ढा मुक्त करने की बात कह चुके हैं। तो ऐसे में प्रशासन का ढीला रवैया कहीं ना कहीं सरकार पर भी सवाल या निशान खड़े करता है।